जय माता दी। राधे राधे। आइए सुनते हैं हरियाली व्रत कथा पूजन विधि एवं महत्व। हर साल यह व्रत सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। अगर आप पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने जा रहे हैं तो पूजन सामग्री का विशेष रूप से ध्यान रखें। इन चीज़ों के बिना हरियाली तीज की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। हर साल सावन माह में हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा और सुयोग्य वर पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत करती हैं। शादी के बाद पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने का अलग ही महत्व होता है। अगर आप भी विवाह के बाद पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने वाली हैं तो पूजन सामग्री का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली व्रत को करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज के लिए आपके पास कौन कौन सी पूजा सामग्री जरूर होनी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि विधान से करने के लिए आपके पास कुछ सामग्रियां जरूर होनी चाहिए। इस पूजा को शुरू करने से पहले यह जरूर देख लें कि माता पार्वती और भगवान शिव, भगवान गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में है या नहीं। हरियाली तीज की पूजा के लिए सबसे जरूरी है लकड़ी की एक चौकी बनाएं और उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति, गणेश जी की स्थापना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। पूजा की चौकी तांबे और पीतल का, कलश पीला वस्त्र, कच्चा सूत, नए वस्त्र, केले के पत्ते, समी के पत्ते, जनेऊ, आग का फूल, बेलपत्र, धतूरा, जटा वाला नारियल, कपूर, अभी गुलाल, धूप, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद, 5 प्रकार के फल, मिठाई, दक्षिणा, शिव चालीसा, सुपारी, कलश, अक्षत, दुर्वाघाश, घी, माता पार्वती के लिए हरे रंग की साड़ी, चुनरी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, माहौर, कुमकुम, काजल, कंघी, मेहंदी, दर्पण, इत्र और 16 श्रृंगार से जुड़ा सुहाग का सामान। इसके बाद आसन पर पीला कपड़ा बिछाएं और पूजा शुरू करने से पहले कच्चा सूत माता पार्वती को चढ़ाने के लिए नई साड़ी, माता पार्वती के लिए चुनरी हरी साड़ी, माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, महावर, कुमकुम, बिछिया होनी चाहिए। इसके अलावा शिव और गणेश जी के लिए वस्त्र खरीदने होंगे। साथ ही आपको हरियाली तीज व्रत कथा और आरती की पुस्तक आदि इन सभी सामग्रियों की पूजा के समय आवश्यकता होती है। हरियाली तीज का महत्व क्या है? हरियाली तीज का व्रत सुहागिनों के लिए विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए रखा जाता है। भारत के कई राज्यों में हरियाली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कठोर तपस्या और इस व्रत को रखने के बाद ही माँ पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था।
हरियाली तीर्थ पर महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन शुभ स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे, नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ, वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं, अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी, तुमने अपने मन की बात सहेली को बताई, सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे, वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रीत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा, शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए, बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हुआ। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ, उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज पूजा भी थी। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।